महंगाई की मार झेल रहे बिहार के लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लंबी रूट के बस का किराया 25% तक बढ़ाया जाने वाला है, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ आएगा। पेश है एक खास रिपोर्ट। बिहार के लोगों के लिए बस का सफर भी अब महंगा होने वाला है। बिहार मोटर फेडरेशन ने फैसला लिया है कि बस किराया में 25% वृद्धि की जाएगी। ऐसे में अब तक जहां किराया 300 रुपए लगते थे, वहां अब 375 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं जहां 100 रुपए लगते थे, अब 125 रुपए देने पड़ेंगे। हाल ही में पटना में पहले ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाया, जहां 10-25% तक यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार मोटर फेडरेशन ने भी बिना सरकार की अनुमति के बस भाड़ा बढ़ाने का फैसला किया है। इधर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अब तक मोटर फेडरेशन की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई, ना ही किराया वृद्धि को लेकर सरकार की तरफ से कोई सहमति बनी है। इसके बावजूद बस मालिकों ने परिवहन विभाग द्वारा संशोधन का इंतजार किए बिना किराए में 25% वृद्धि करने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग की तरफ से बढ़े हुए किराए को लेकर क्या कार्रवाई होती है, या फिर मोटर फेडरेशन की मनमानी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। नेशन न्यूज के लिए मंजुल मंजूरी की रिपोर्ट।